हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों ने प्रिया की वीडियो देख ली होगी। एक्चुअली मैं स्कूल में थी और मैंने ना आके मेरे को सर दर्द वगैरह हो रहा था, और जब मैंने देखा और मैं तो हंसने लगी, इतना हंसी भाई। इतने भूखे नंगे हैं ये लोग, इतने भूखे नंगे हैं। फिर मैंने प्रिया को फ़ोन लगाया, पता किया मामला क्या है, तो मुझे पता चला कि ढक्कन ये बोल रही है कि मेरे को मेरे पैसे चाहिए। मैंने अपना जो सड़ा सा सेटअप बनाया है ना, मट्टी ठूसने का मैंने सेटअप बनाया था, गेम का है ना, मेरे को नुकसान हो गया है, तो मुझे पैम से पैसे लेने हैं एज कॉम्पनसेशन। ए फटिक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, एक बात सुन ले, तूने तो गेमिंग के लिए बनाया था, तुझे ऐसा लग रहा था तू और तेरा पति बहुत बड़ा गेम का धुरंधर है। लोग बड़े बड़े गेम यूट्यूबर को छोड़ के तुम दोनों कार्टूनों को देखने आएंगे, और चैनल बनते देर नहीं कि पैसे के लिए क्यूआर कोड भी डाल दिया था, और वो सेटअप इनका उड़ गया तो मुझसे कॉम्पनसेशन ले रहे। अरे भाई, तुमको तो साफ साफ लोग सामने से चैलेंज कर रहे हैं कि हमने बोला, बोल के दिखा, मैंने बोला, मैंने किया, मैंने बोला, मैंने रिपोर्ट किया, नहीं बोल पा रही क्योंकि उनको पकड़ नहीं पा रही ना, उनका ना तो एड्रेस मालूम है, उनका प्रॉपर कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे गला पकड़ेगी उनका। मेरा जो पदोड़ी अम्मा है उसने, और पदोड़ी अम्मा और पदोड़ी अम्मा की बेटी, उनका ये कहना है डॉक्टरनी साहिबा से, डॉक्टरनी साहिबा आधे आधे पैसे मिलाते हैं, पैम पे करते हैं केस ताकि कुछ पैसे मिल सके, खर्चा चाहिए ना वकील के लिए, तू दे आधे पैसे, आधे पैसे मैं दूँ। डॉक्टरनी बोली ना भाई ना, मेरा सुमड़ी में क्रंच का चैनल मस्त चल रहा है, मैं तो अपना मट्टी खाऊंगी, समोसी बनाऊंगी, मट्टी खाऊंगी, मैं कहाँ से ये वकील वगैरह के पैसे दूँ। गुड आइडिया डॉक्टर ने, अच्छा किया, इसको लड़ने दो। और ढक्कन तुझे क्या कर लगता है, तू मुझ पे केस करेगी, पैसे खर्च करेगी, मैं बैठी रहूँगी भाई साहब। अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ढक्कन, मेरे सब्सक्राइबर तेरे सब्सक्राइबर की तरह नहीं है, जो बोलते जिजी सीमेंट खाओ, जिजी ये खाओ। मुझे पता, जब से तूने मुझे धमकाया है ना, तब से मुझे इंस्टाग्राम पे एडवोकेट, क्योंकि सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइबर होते, उस पर एडवोकेट भी है, एडवोकेट। और कितने लोगों ने मुझे बोला है कि पैम मैम डरना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, अगर ये केस करती है तो आपको केस लड़ना है, पैसे हम देंगे, हम खर्च करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कितनी दूर तक जाएगी मट्टी खाने के लिए वो हम देखेंगे, और कोर्ट में जब लड़ेंगे ना तो हम प्रूफ करेंगे कि ये लोगों के हेल्थ को कितना रिस्क में डालती है। और ढक्कन, अगर ये अपने आप को ढक्कन मानती है तो वो इसकी सरदर्दी है, मेरी सरदर्दी नहीं है, है ना। इसके जो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, जब इसने मुझे मारने की धमकी दी, और वो नहीं था मानहानि, उसको मानहानि नहीं बोलते, जब तू लोगों के स्कूलों में फ़ोन लगाती, लोगों के वर्क प्लेस पर फ़ोन लगाती है, लोगों के बेटों का नाम खराब करती है कि उसका बेटा लड़की लेके भाग गया, पुलिस का ये हो गया, तेरी पादे माँ की लड़की लेकर भागा था, तुझे पता नहीं है तेरी पादे माँ की भतीजी कौन क्या रहती है, उसी को लेके भागा था एक्चुअली, तो पादे माँ को इसलिए सबसे अच्छा मालूम है। तो वो सब हमारे पास भी है, ऐसे उल्लू बन के तो वाईटी पे हमने भी नहीं बैठे हैं, हमारे पास भी सब कुछ है। यार ये इतनी ढीठ किस्म की बेशरम औरत है ना, इतनी बेशरम है, इतनी बेशरम है, बेशरम। ये इतनी मट्टी खाने के पीछे ना लुलुआती फिरती है, पगलाए फिर रही है, इसको चाहे जो हो जाए मट्टी खाना। जब हम इसके ऊपर बात नहीं करते हैं ना,
तो फिर ही आ जाती है अपना आरआर लेके हमारे पास, मुझ पे बात करो मुझ पे बात करो। अरे यार मैंने ना मजाक में किसी ने बोला था कि ढक्कन अपनी बेटी का कपड़ा पहनती है, मजाक समझ रहे थे हम। ओ माय गॉड, जब मैंने आज शॉर्ट्स देखे थे ना, उसमें दो तीन शॉर्ट्स में इसकी बेटी ने वो येलो टॉप पहना है, वही टॉप इसने पहना है। बेटी जब हम उम्र बेटी जब जवान हो जाती तब माँ कपड़े चलता है, माँ बेटी का कपड़ा, पर एक छोटी 7-8 साल की बच्ची का कपड़ा पहन रही है और तुम अपने आप को फिट बोलती हो, तो फिट नहीं हो तुम्हें, गलत फहमी है बहन जी, गलत फहमी है, तुम कुपोषित हो, कुपोषित। अगर 7-8 साल की दो बच्चों की माँ अगर 7-8 साल की बच्ची का कपड़ा पहने तो उस इंसान को कुपोषित बोला जाता है। आप लोगों को क्या कहना है, क्या बोलते हैं उसको, फिट बोलते हैं, तंदुरुस्त बोलते हैं? हाँ मुझे ज़रूर बताना। मैं डेली हमको कुछ और करना होता है पर ये लोग आते हैं कि नहीं 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 मुझ पर बात करो, मुझ पर बात करो, मुझ पर बात करो, ऐसे करके आ जाते हैं। जो लोग ढक्कन और ढक्कन की माता जी, अच्छा तुम लोगों ने देखा था महाभारत में दुर्योधन और शकुनी, ये वो जोड़ी है दुर्योधन और शकुनी की। शकुनी ने दुर्योधन की लंका में आग लगा दी थी, बर्बाद कर दिया था दुर्योधन को, कहीं का नहीं छोड़ा था, यही है। लेकिन खैर इसको नहीं समझ में आएगा। और हाँ आप लोग किसी के भी ड्रेस जो दिखा देती पादे माँ ये इतने का है ये इतने का है, मैं चाहूँगी तो वो स्क्रीनशॉट लगा सकती हूँ पर मुझे किसी के पेट पे लात नहीं मारना है। जो इंसान एक ऑनलाइन ड्रेस मिल रहा है वो इतने का मिल रहा है, उसको सिर्फ 400 ज़्यादा करके बता रही है, वो मिट्टी में तो कितना उल्लू बना रही होगी, कितना चूना लगा रही होगी, है ना। और केस तू कर, वकील हायर कर, जो करना है कर, रोज रोज आके पैपे 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 यहाँ नहीं करने का, आई बात समझ में। और मुझे इधर उधर से पता चला तेरी नौटंकियाँ तो अच्छी नहीं होगी, है ना। जो मट्टी ठूस रही है ना तू, वो मट्टी ठूसती रहे और बनाती रहे जब तक तू बीमार ना पड़ जाए। जिस दिन बीमार हो जाएगी ना उस दिन तेरे से बात करेंगे। अब इसको बेचारी को व्यूज तो आ नहीं रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा, लोग कह रहे हट झूठी कहीं की मक्कार, झूठी फ्रॉड, ऐसा बोलते हैं लोग सच्ची का, पीछे से लोग ऐसे ही बोलते हैं मक्कार है ये लेडी, ये तो अपने बच्चों की भी सगी नहीं है, अपने प्रॉफिट के लिए बच्चों को बीमार कर देना, और जब सामने से हेल्प ऑफर हो रही कि हम तो फ्री में कर देंगे तो वहाँ पर बोलती नहीं मुझे किसी का नहीं चाहिए फेवर, और वही अगली पल इसको भीख चाहिए मुझसे कि मुझे जो 60-70 हज़ार का जो मेरा वाईटी का सेटअप था ना उसके लिए मेरे को लॉस हो गया है तो पैम से मुझे भीख चाहिए, कॉम्पनसेशन। कौन किसको देता है पता लगा, अभी तो तू इसको वसूल करने के चक्कर में तेरे घर ही पूरा बिक जाए। मेरा मुंह खुलवाते हो यार, क्यों मुझे उकसाते हो, क्यों मुझे पिन लगाते हो, अपना काम करना, तू मट्टी खा रही है ना खाना। आए हाय ये तो बताना मैं तुम लोग को भूल ही गई, बिचारी के ना कंटिन्यूसली वीडियो उड़ रहे हैं, हटाने पड़ रहे हैं, हटाने पड़ रहे हैं। और हाँ येलो डॉलर आ रहे हैं, येलो डॉलर आएंगे तो बेचारी नहीं खाएगी, इसके खड़ावे मट जाती है येलो डॉलर से ही, हेलो हेलो हेलो, इसकी सारी क्रेविंग येलो डॉलर से गायब, झूमंतर हो जाती है। बात इतनी सॉरी है ना मेरे पास करने के लिए कि पूरा रात दिन कम पड़ जाए, पर मुझे काम है ना, अगले दिन स्कूल जाना है, ये तो नल्ले हैं, नल्ले हैं, इनके घर वाले भी नल्ले, ये भी नल्ले, हमारे पास टाइम बहुत कम है। हाँ बाय पादू अम्मा।